तो अभी हम कुछ शब्द हम पूछना चाहेंगे राजा स्नेही से, अभी सब इनको दुलार प्यार क्या मिला है, कहाँ से फोन आया, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं। थोड़ा साइड दीजिए, हमको बैठने दीजिए, यहाँ पे आइए बैठिए, यहाँ पे बैठिए। तो अभी देखिए क्या नाम है आपका, नाम बताइए अपना। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, कैसन बानी आप सब। हम भोजपुरी गायक राजा स्नेही, आप सुन के छोट भाई अच्छे गाने सुनिए, क्योंकि अच्छे गाना सुनेंगे तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा और हम लोग अच्छे अच्छे गाने लिखेंगे। अगर आप अच्छे गाने का सपोर्ट करते हैं तो अभी अच्छे गाने गाए जाएंगे। अगर आप जब आपको जब पूरी हलवा पसंद है तो पूरी हलवा ही खिलाएंगे, तो कहाँ से हम आपको तस्मई हलवा खिलाएंगे। सही छोट कलाकार ले, ये लोग सब जना ढोड़ी कटोरी आ इथिये पॉइंट कर लो, तो ये सब साफ सुथरा। नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के बीच लाइव आया हूँ, लाइव इसलिए आया हूँ कि एक आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। वो क्या है कि आप लोगों को बता दूं कि आज जो है अंशी रिकॉर्ड्स भोजपुरी, अंशी म्यूजिक स्टूडियो दुदही कुशीनगर में आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे गायक भी हैं और साथी कलाकार जो हैं हमारे पास बैठे हुए। आप सबसे पहले आप रूबरू करा दें, यहाँ पे देखिए ये रजनीश आर्यन जी हैं जो दुदही के ही हैं, और ये हमारे जो गायक हैं राजा स्नेही जी, जिनका गाना जो है अभी खूब वायरल हो रहा है। और यहाँ पे कृष्णा राज देखिए, ये भी अपने भोजपुरी कलाकार कृष्णा राज अभी ये भी हैं यहाँ बैठे हैं। और राइटर यहाँ पे देखिए मुकेश राज जी, जो जाने माने, आप इनको बहुत अच्छे तरफ से जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे आज से जान जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आइए सोनू भाई हैं, जो भोजपुरी जो भी गाने होता है ये इसके इनके देख रेख में होता है, जो मतलब गलत सही होता है ये इसको बताते हैं और उसको हम लोग सुधार करके गाते हैं। सही बात है ना ये, तो अभी देखिए। और ये जो है इसीलिए आए हैं और यहाँ पे इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए, आपको बता दें खुशी वाला बात जो है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इतने सिंगर जो है आज बैठ के हम लोग इस बात का हम लोग खुशी मना रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियो से, अंशी म्यूजिक स्टूडियो से एक गाना आया है जिसका नाम है आरडीएक्स भाई एडिटर से, जिसके गायक हैं हमारे राजा स्नेही जी, यहाँ पे बैठे हुए हैं आप दिखाइए, राजा स्नेही नाम है इनका, जो काफी अच्छा हद तक बहुत गाना बढ़िया जा रहा है। और आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पे 100 से ज्यादा रील बन चुका है अभी तक, अभी का ताजा एकदम ब्रेकिंग न्यूज है, 100 से ज्यादा बन चुका है और अभी एक्स्ट्रा भी बनने वाला। और आपको बता दूं कि आरडीएक्स जिसके ऊपर ये गाना गाया गया है वो भी अभी रील बना रहे हैं, बनाए हैं ना, वो भी अपलोड किए हैं। और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आरडीएक्स भाई का सॉन्ग लिखिए यूट्यूब पे, तुरंत उनका सबसे पहले गाना आएगा। और अभी अंशी म्यूजिक का सबसे वायरल गीत हो रहा है, तो अभी आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे गायक, ये भी गायक राइटर निर्देशक और हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग, तो देख सकते हैं यहाँ पे गाना है और आपको गाना सुनाते हैं किस तरह का गाना है, जो कि बता दूं एकदम साफ सुथरा है, किसी प्रकार का कोई भी इसमें गंदी भद्रता या किसी प्रकार का गाली गलौज नहीं है और कोई भी जातिवाद से रिलेटेड नहीं है, नहीं है। तो इस गीत को हम लोग प्रमोशन इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग भी इसको सुनिए और दुलार प्यार दीजिए जितना भी हो सके राजा स्नेही जी को, और भी दुलार प्यार दीजिए, इससे भी अच्छा ये गीत करेंगे और इससे बढ़िया गीत करेंगे। और आप लोग इस पे रील बनाइए, जितना हो सके रील बनाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप YouTube पे लिखिए आरडीएक्स भाई का सॉन्ग, सबसे ऊपर आएगा आरडीएक्स भाई एडिटर से। आपको एक बार इसका लुक सुना देता हूँ गाना का कि कैसे है। तो यही गीत है, आपको इस पे सबसे ज्यादा रील बनाना है। और आपको बता दूं कि आरडीएक्स भाई से मिल के आए हैं और उनसे भी रील जो काफी सारा प्रमोशन भी हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है आपको बता दूं। तो आप लोग भी इस गाने को सुनिए, बहुत ही साफ सुथरा गीत है और इस पे आप रील बनाइए और ऐसे ही अंशी रिकॉर्ड्स भोजपुरी चैनल को दुलार प्यार देते रहिएगा, साथ में हमारे राजा स्नेही सिंगर है इनको भी दुलार। तो अभी हम कुछ शब्द हम पूछना चाहेंगे राजा स्नेही से, अभी सब इनको दुलार प्यार क्या मिला है, कहाँ से फोन आया, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं। थोड़ा साइड दीजिए, हमको बैठने दीजिए, यहाँ पे आइए बैठिए, यहाँ पे बैठिए। तो अभी देखिए क्या नाम है आपका, नाम बताइए अपना। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, कैसन बानी आप सब। हम भोजपुरी गायक राजा स्नेही, आप सुन के छोट भाई, और हम एगो गाना गोले बनी जौना गाना के बोलबा आरडीएक्स भाई एडिटर से। अगर आपके देखल हो के सुनल चाहता नहीं तो सबसे पहले जाई अंशी रिकॉर्ड भोजपुरी पर और वो गाना के ज्यादा से ज्यादा प्यार दी, सुनी वो गाना के। और वो गाना का रिकॉर्डिस्ट हमारे मोहन भैया बानी, यहाँ के ज्यादा आशीर्वाद मिलल बा हमारा ऊपर और वो गाना के बोल भी बा।
अरे चल करवाई दी फोटो एडिटिंग आरडीएक्स भाई एडिटर से, हम उनसे मिल के भी आयल बानी और ज्यादा से ज्यादा वो गाना का रील बनता, 100+ रील बन चुकल बा और 60,000 50,000 20,000 ज्यादा से ज्यादा रील बनल बा भैया और ट्रेंड में भी चलता और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करी वो गाना के और हमारे मोहन भैया हमनी का आशीर्वाद बनौले रह ऐसे ही हमनी के ट्रेंड में चलब जा। अच्छा ये बताइए सब लोग ढोरी में अटका हुआ है, कोई कुछ गा रहा है कोई कुछ गा रहा है, तो आप आरडीएक्स वाला गीत कैसे मतलब आपके दिमाग में आ गया कि हम आरडीएक्स वाला गीत गाएंगे और वो भी ऐसे? भैया वो ट्रेंड में चलते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लोग उनका फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनका, हम उनसे ज्यादा रिलेटेड हैं, मिलते जुलते हैं हम लोग सब लोग, तो मन में आ गए कि आरडीएक्स भाई से नाम से गाना गा देते हैं, इसीलिए मैं आपको काफी जो है वो गीत साफ सुथरा है, मतलब किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि आप घर पे नहीं सुन सकते? नहीं नहीं सर, कोई सुन सकता है, इस पर रील भी बना है, काफी लोग जेंट्स लेडीज सब लोग रील बना रहे हैं, अच्छा से रील बना रहे हैं, चल रहा है सब। तो ऐसे ही हम लोग भोजपुरी को साफ सुथरा बनाएंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे। तो आप लोगों से रूबरू कराते हैं हमारे अंशी म्यूजिक स्टूडियो के खास जो गीतकार हैं मुकेश राज जी, और इनसे हम बातचीत करते हैं कि इस गाने को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे गीत को लेकर। हाँ तो सबसे पहले आप सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करते नहीं, और आप सब ये गाना का बहुत प्यार दुरा देते हैं जान, और ये गाना बहुत साफ सुथरा बा, अगर चाहते हैं ये गाना का सुने के तो हमारे अंशी म्यूजिक भोजपुरी चैनल के सर्च कर जाओ यूट्यूब पर और गाना के सुनी जान, दुलार प्यार दी जान, दुलार प्यार दी जान। तो ये गीत में बहुत साफ सुथरा होता, लेकिन सब लोग जितना भी राइटर बड़ा लोग आजकल के जो भी राइटर आता बड़ से लेके छोट कलाकार ले, ये लोग सब जना ढोंडी कटोरी आ इथिये पॉइंट के लो, तो ये सब साफ सुथरा गाना को इसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, देखिए मार्केट में हर एक प्रकार के गाने आ रहे हैं, तो आप अच्छे गानों को प्रमोशन कीजिए, अच्छे गाने सुनिए, क्योंकि अच्छे गाना सुनेंगे तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा और हम लोग अच्छे अच्छे गाने लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइटर साहब का हमने बयान ले लिया है, तो इसी तरह से आप जो है अच्छे गाने हैं उसको सपोर्ट कीजिए, रील बनाइए अच्छा से, उस पर मनोबल बढ़ाइए, सिंगर का वो भी 2 रुपए लगा रहा है तो सोचेगा कि कुछ व्यूज आगे जाए। तो इसी बात से हम अपने इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।